हेलो दोस्तों, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए। थोड़ी सी इजी स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आपको मेकअप जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मॉइस्चराइज़र से। क्लीनिंग मैंने अपने चेहरे की कर ली है, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मेरा फेवरेट बायो चेरी का मॉइस्चराइज़र, जो कि है बायोटेक से। इसके बाद हम लोग लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो ये सारे बिगनर्स के लिए जो है एक टिप है कि कभी भी प्राइमर को स्किप ना करें, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र दोनों, क्योंकि स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेकअप से पहले। मॉइस्चराइज़र हेल्प करता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में, और प्राइमर हेल्प करता है मेकअप को अच्छे से सेट करने में। और स्किन के ऊपर मेकअप आने से पहले जो है ये एक लेयर होती है जो हमारी स्किन को जो है बचाती है मेकअप केमिकल्स से। आज मैं इस्तेमाल करूंगी स्विस ब्यूटी से ये जीरो पोर्स प्राइमर, क्योंकि मेरे पोर्स जो है काफी ओपन है, तो उन्हें छुपाने के लिए जो है मैं ये इस्तेमाल करूंगी। सॉरी दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो हो सकता है आपको आवाज़ जो है अच्छे से ना आए या कुछ ना समझे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्राइमर हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम शुरुआत करेंगे आई मेकअप के साथ, और आई मेकअप के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मेरा शिवाना कलर्स का ये पैलेट। आई मेकअप शुरुआत करने से पहले जो है हम लोग आई बेस कंप्लीट कर लेंगे हमारा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया है, और मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपना आई बेस जो है कर कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद आई पाउडरिंग कर लेंगे, और आई पाउडरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी शिवाना कलर्स से ये सबसे लाइट वाला शेड, जो कि स्किन कलर में आप बोल सकते हैं बेज स्किन कलर। अब हम हल्की सी जो है क्रीजिंग कर लेंगे आंखों पे, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये येलोइश ऑरेंज शेड, जिसे हम ट्रांजिशन शेड भी कहते हैं। अब हम लोग कलर फिलिंग करेंगे, और आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये शिमरी डार्क ब्राउन शेड। ये हो जाने के बाद हम ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसे आपको ऊपर की तरफ जो है ब्लेंड करना है, और उसे जगह के जगह पे घुमाते रहना है। मैं आपको सिंगल आई शैडो ही बताऊंगी, क्योंकि बिगनर्स के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है सीखना ब्लेंडिंग।
कलर फिलिंग जो है आप सबसे पहले कर लेंगे। और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। कलर एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बारी है लाइनर, काजल और मस्कारा की। काजल मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरी आंखें ऑलरेडी बड़ी हैं, तो मेरी आंखें उससे और बड़ी लगने लगती हैं अगर मैंने काजल लगा लिया तो, वो ऐसा मुझे लगता है। तो आप काजल जो है अपने एंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी लाइनर और मस्कारा। आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप बिगनर्स के लिए ये है कि आप सबसे पहले ये जान लें कि आंख हमें कैसे डिवाइड करनी होती है। आप आँख को ऊपर की तरफ से तीन पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे। ये पार्ट हम हाइलाइटिंग के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारे आँख की हड्डी होती है वो हमारी मार्क लाइन होती है, जिसके अंदर हम लोग कलर की फिलिंग करते हैं और उसके बाद उसे स्मच करते हैं। तो ये एक छोटा सा टिप है बिगनर्स के लिए कि मार्किंग लाइन हमेशा आप याद रखें। और हर इंसान की आँख की मार्किंग लाइन अलग होती है क्योंकि आई शेप सबका अलग अलग होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइनर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग स्मज लाइनर कैसे लगाएंगे। बहुत ही इजी है लगाना, लेकिन वो लगाने के बाद जो है काफ़ी सुंदर दिखता है। और उसमें अगर आप अभी तक सही तरीके से लाइनर लगाना सीख नहीं पाए हैं तो वो मिस्टेक जो है आपकी चुप जाती है उसमें। आपकी परफेक्शन जो है स्मज लाइनर में, परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट वो लुक बहुत ज़्यादा प्रिटी देता है। तो ये एक और छोटा सा टिप है बिगनर्स के लिए। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लाइनर आपका बिगड़ गया है, तो आप उसे स्मज करके जो है एक अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं लाइनर के लिए इस्तेमाल करूँगी मेरा मिस क्लेयर का ये जेल काजल विथ लाइनर। हम इसे दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है बहुत ही कम मात्रा में जो ये लाइनर इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही पतला लगाना है ये मुझे, और आप देख सकते हैं मैंने भी इसे एक परफेक्ट लाइन नहीं दी है। और उसके बाद हम इस छोटे स्मजर की हेल्प से इसे जो है स्मज कर लेंगे। देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो है मेरा लाइनर लगा है। और अब दूसरी आंख में भी हम सेम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम जो है फाउंडेशन लगा लेते हैं। आज मैं फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करूंगी मेरा ब्यूटी कलर्स का ये फाउंडेशन। इसे हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर स्पॉन्ज की कंपेयर में बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करता है, और बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप पीएसी के ब्लेंडर्स ले सकते हैं। या आप मेकअप स्टूडियो के ब्लेंडर्स भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है।
नेक अपना कवर करना ना भूले। परफेक्ट, फाउंडेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम लोग कंसीलिंग कर लेंगे। कंसीलिंग भी नहीं बोलेंगे हम इसे, हाइलाइटिंग बोलेंगे। कंसीलिंग जो है पहले होती है, मेरे फेस पर कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फेस पर इतने सारे ब्लेमिशेस नहीं है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट फाउंडेशन का कोट जो है अप्लाई किया है। तो इसके ऊपर जो है मैं हाइलाइटिंग करूँगी, और हाइलाइटिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मेबेलिन फिट मी से ये कंसीलर, जिसका शेड है सैंड सेबल 20। अब जो है हम कंसीलिंग कर लेंगे, सॉरी हाइलाइटिंग कर लेंगे। हाइलाइटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद हम लोग अब पाउडरिंग कर लेंगे अपने चेहरे की। और पाउडर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी बेला वेस्टा से ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो है फेयर शेड में। अब बारी है ब्लशर की, और उसके पहले हम लोग थोड़ी सी पाउडर कॉन्ट्यूरिंग कर लेंगे, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी कलर बार से मेरा कॉन्ट्योर विथ हाईलाइट किट, जिसमें से मैं एक बहुत ही हल्का कलर लूँगी। बहुत कम प्रोडक्ट आपको लेना है क्योंकि ये काफ़ी डार्क है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और अब बारी है ब्लशर लगाने की। और ब्लशर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी शिवाना कलर्स से मेरा ब्लशर विथ हाइलाइटर। इसमें ऑलरेडी हाइलाइटर जो है मिक्स्ड है। ब्लशर भी हमारा कंप्लीट होता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं बताऊँगी क्योंकि बिगनर्स के लिए पहले चीज़ें स्टार्ट करना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हमें स्टार्ट करना चाहिए। और अब बाकी है हमारा मस्कारा, और आज मैं मस्कारा के लिए इस्तेमाल करूँगी मेरा फेसेस का मस्कारा। ये मैंने अभी न्यू लिया है। परफेक्ट, अब हम लोग एक और इजी सा स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको काजल अवॉइड करना है तो आप अपना जो है डोम ब्रश लेंगे, हम उसमें से ब्राउन कलर लेंगे,
और उसे आंखों के नीचे थोड़ा सा जो है स्मच कर लेंगे, बहुत हल्का जो है आपको लगाना है, सिर्फ इफेक्ट देने के लिए। ये बहुत ही इजी और यूजफुल स्टेप है। जो क्लाइंट्स आपको मना कर रहे हैं कि काजल नहीं लगाना है हमें, तो उन्हें आप श्योरली ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इससे प्रोडक्ट आंखों के अंदर भी नहीं जाता है, और जिनकी आंखें सेंसिटिव है उनके लिए ये स्टेप जो है बहुत यूज़फुल है। बाकी तो हमारा सारा मेकअप जो है हो गया है, सिर्फ हमारे आईब्रोज और लिपस्टिक बाकी है। आईब्रोज डार्कन करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी इन कलर से ये मस्कारा। दोस्तों आईज की हाइलाइटिंग करना जो है आप ना भूलें। बाकी हमारा सारा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया है, और दोस्तों अब लास्ट बाकी है लिपस्टिक, बारी है लिपस्टिक की, तो हम लोग लिपस्टिक लगा लेंगे। और लिपस्टिक के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मैट मी से ये पीच शेड, जिसका नंबर है 429। तो ये था कंप्लीट लुक, और इसके ऊपर हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेकअप फिक्सर, जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप है, और बिल्कुल भी आप इस स्टेप को ना भूलें। और मेकअप फिक्सर के लिए आज मैं इस्तेमाल करूँगी क्रायलन से ये मेकअप फिक्सर। ये है दोस्तों कंप्लीट लुक हमारे मेकअप का। अगर आपको आज की ट्यूटोरियल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।